हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कंचन शर्मा और मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे बिल्कुल बाजार जैसे ही वेज मोमोज घर पे। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो यहाँ पर वेज मोमोज बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप कटा हुआ पत्ता गोभी। यहाँ पर हमने मीडियम साइज के केबेज को कद्दूकस कर लिया है, इसे हम डाल देते हैं बाउल में। और 1 मीडियम साइज के गाजर को भी हमने यहाँ पर कद्दूकस कर लिया है, इसे भी हम डाल देते हैं। 1 मीडियम साइज के प्याज को भी बारीक चॉप करके डाल देंगे और 1 चम्मच नमक डाल देंगे इसमें। और इन सभी को हमें अच्छे से मिक्स करके ढककर 10 मिनट के लिए साइड में रख देंगे ताकि केवेज जो है अपना सारा पानी वो अच्छे से छोड़ दे। तो इसे हम ढककर रख देते हैं और तब तक हम आटा गूंथकर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर बाउल में 1 कप मैदा लेंगे, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और 1 चम्मच हम तेल डालेंगे। अब इसे हम अच्छे से मिलाएंगे ताकि तेल नमक आटे में अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद ज़रूरत के अनुसार थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर हम इसका सेमी सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। जिस तरीके से हम पूड़ी के लिए आटा गूंथते हैं, सेम उसी तरीके से हमें इसे गूंथ कर तैयार कर लेना है। ज़्यादा हमें सॉफ्ट नहीं करना है, इस बात का आप ध्यान रखें। ये देखिए, इस तरीके से मसल मसल का चिकना कर लेंगे। उसके बाद आप चाहे तो इसके ऊपर तेल भी लगा सकते हैं। गीले कपड़े से ढककर इसे रख दीजिए। और यहाँ पर सब्जियों को भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए, नमक डालने की वजह से सब्जियों में भी थोड़े बहुत जो पानी थी वो छोड़ चुकी है। तो इसे हम इस तरीके से कॉटन के कपड़े में डाल देंगे अच्छे से सारी सब्जियाँ। और इसे अब हम इकट्ठा करते हुए इसे अच्छे से निचोड़ लेंगे ताकि सब्जियों का जो एक्स्ट्रा पानी हो सारा निकल जाए। अगर ये पानी हम अच्छे से नहीं निकालेंगे तो जब हम स्टफिंग करेंगे और मोमोज को स्टीम करेंगे तो वो फट जाएगी, फटकर बाहर निकल जाएगी। तो इस तरीके से हम सब्जियों का सारा पानी निकाल देंगे अच्छे से। इस पानी को आप सूप बनाने में या फिर आटा गूंथने में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे हम रख देते हैं और ये सब्जियों को हम इसी बाउल में निकाल लेंगे। देख सकते हैं अब सब्जी बिल्कुल ड्राई है, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है। तो बस अब हम इसमें एक एक करके सारे इंग्रेडिएंट को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हम 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे और 2 टेबलस्पून बारीक कटी हुई हरा धनिया का पत्ता। आप इसकी जगह पर हरे प्याज के पत्ते भी डाल सकते हैं इसमें। और इसमें डाल देंगे 1/2 छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर और 1/2 छोटी चम्मच हम डालेंगे इसमें सोया सॉस। और इन सभी को हमें अच्छे से मिला लेना है। नमक हमने पहले ही सब्जियों में डाल दिया है तो हमें नमक डालने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारी अब स्टफिंग बिल्कुल रेडी है। आप चाहे तो इसी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर मेरी तरह यहाँ पर थोड़ा सा हम इसमें पनीर ग्रेट करके डालेंगे, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। अगर आपके पास हो तो ऐड करें, नहीं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। तो इसे डालने के बाद इसे भी हम अच्छे से मिला लेंगे इसमें और उसके बाद इसे रख देंगे। ये हमारी स्टफिंग बिल्कुल रेडी हो चुकी है। और यहाँ पर आटे को भी मसल कर हम 1 मिनट के लिए चिकना कर लेंगे। उसके बाद इस तरीके से छोटी छोटी गोलियाँ हम आटे से तोड़ेंगे, एकदम छोटे छोटे साइज के हमें तोड़ने हैं। इतने आटे से करीब 20 से 22 पीस आपके जो है मोमोज बनकर तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमें इस तरीके से इसे मसलते हुए एक चिकना सा जो है पेड़े टाइप का बनाना है। ये देखिए, इस तरीके से सारे हमें बनाकर रेडी कर लेने हैं और इसे हम ढककर रख देंगे। और 1 हम यहाँ पर लेंगे लोई और इसे हम पतला बिल्कुल बेलेंगे पूड़ी के जैसा। ये देखिए, इस तरीके से हम एकदम पतला सा इसे बेलेंगे। ध्यान रखें किधर से भी ये मोटा ना होने पाए, इसके सभी किनारे एक समान बेलने हैं। उसके बाद सेंटर में हम डालेंगे 1 चम्मच भर का स्टफिंग और इसके किनारों पर हम पानी लगा देंगे। और अब हम इसे मोमोज का शेप देंगे। तो मोमोज कई तरीके से बनाई जाती है। इस तरीके से हम देखिए 1 के ऊपर 1 इस तरीके से दबाते जाएंगे। अलग अलग डिज़ाइन के मोमोज बनकर तैयार होती है। तो जो भी आपको तरीका आती है आप बना सकते हैं इस तरीके से। ये देखिए, इस तरीके से 1 के ऊपर 1 हम इस तरीके से मोड़ते जाएंगे और इसे चिपकाते जाएंगे। पानी लगे होने की वजह से ये इजीली चिपक जाएगी एक दूसरे पर। और उसके बाद इसे हम इस तरीके से चिपका देंगे। ये देखिए, इसके किनारों को मिला देनी है आपस में। तो बहुत ही सुंदर सा जो है ये मोमोज का डिज़ाइन बनकर तैयार हो जाएगा। इसी प्रकार से हम सारे बनाकर रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको एक और बनाकर दिखाती हूँ। सेम इसी तरीके से इसे भी हम एक बड़ी पतली पूड़ी की जैसा बेल लेंगे। ये देखिए, अब हम इसके सेंटर में डालेंगे 1 चम्मच स्टफिंग और इसके किनारों पे हम पानी लगा देंगे इस तरीके से। और सेम उसी प्रोसेस से हम इसे मोड़ेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से 1 के ऊपर 1 इस तरीके से दबाते जाएंगे। ये देखिए,
इजली ये चिपक जाएंगे। इस तरीके से एक के ऊपर एक चिपकाएंगे। इसके सिर्फ आधे हिस्से में ही हमें इस तरीके से चिपकाना है, बाकी के आधे हिस्से को हम इस तरीके से दोनों छोरों को मिलाकर चिपका देंगे। ये देखिए, तो ये हमारा दूसरा मोमोज भी बनकर तैयार हो चुका है। इसी प्रकार हम सारे बनाकर पहले रेडी कर लेंगे और उसके बाद स्टीम करेंगे। तो यहाँ पर हम इसे भी बना लेते हैं इसी तरीके से। आपको जिस भी शेप में बनाना पसंद हो आप उस डिज़ाइन के मोमोज बना सकते हैं। ये देखिए, इसी प्रकार से हमने यहाँ पर सारे मोमोज बनाकर रेडी कर लिए हैं। चलते हैं इसे स्टीम करने की प्रोसेस में। तो यहाँ पर स्टीमर वाले प्लेट में हम इस तरीके से ऑयल लगा देंगे ताकि मोमोज चिपके ना, और उसके बाद एक एक करके हम मोमोज को इसके ऊपर अरेंज कर देंगे। अगर आपके पास स्टीमर ना हो तो आप कोई भी जाली वाले प्लेट जो आते हैं आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस प्लेट को हम स्टीमर में डाल देंगे और इसे ढककर 10 से 12 मिनट के लिए आपको मीडियम फ्लेम पे स्टीम कर लेना है। तो 10 से 12 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, हमारे मोमोज बिल्कुल अच्छे से स्टीम हो चुके हैं, देख सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा गर्म है तो सावधानीपूर्वक इसे निकालना है। तो लीजिए, हमारे आज के वेज मोमोज बनकर बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। आप इसे गर्मा गर्म ही सर्व करें क्योंकि मोमोज गर्मा गर्म ही खाने में ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। आप इसे मोमोज वाली तीखी लाल चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। मैं यहाँ पर तीखी हरे धनिया की चटनी और यहाँ पर सेजवान चटनी के साथ सर्व कर रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो इसे मैं स्ट्रीट स्टाइल सर्व करने वाली हूँ, जिस तरीके से हम लोग बाजार में जब मोमोज खाते हैं ना, जिस तरीके से हमें जो है प्लेट्स में देते हैं वो लोग, उसी तरीके से हम इसे सर्व करेंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से हमें प्लेट्स में मोमोज को अरेंज कर लिए हैं और ये ऊपर से हम डाल देंगे इसमें थोड़े से हरे धनिया की चटनी और थोड़ा सा हम डाल देंगे ये सेजवान चटनी, ऊपर से चाट मसाला स्प्रिंकल कर देंगे। तो लीजिए, हमारी बहुत ही स्वादिष्ट वेज मोमोज बनकर तैयार हो चुकी है, वो भी घर पर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर आज की हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। मेरे चैनल पे अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे मेरी आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।